उत्तर प्रदेश पुलिस में इस भर्ती 2015-16 में 3528 खाली सीटों के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी भाई और बहनों को जय हो। मित्रों, अपना डेट 4 मार्च दिन बुधवार 2020 को लगा हुआ। अपना मैटर जनवरी 2020 से ही अनलिस्टेड में चला आ रहा है और अनलिस्टेड से अब अपना मैटर लिस्ट में करवा लिया गया है, क्योंकि 2 या 3 दिन बाद से टेकअप नहीं हो पा रहा था समय के अभाव के कारण। और टेकअप भी होता था तो 1 से 2 मिनट 5 मिनट मिलता था और अपना केस इस स्थिति तक पहुंच गया है कि अब हमारे केस को बहस के लिए 2 से 3 घंटा का समय का आवश्यकता है, तब जाके निर्णय हो सकता है। इसलिए तमाम चीजें अपने अधिवक्ता के सामने रखा गया, राय विमर्श लिया गया, तब अपना मैटर अनलिस्टेड से लिस्ट में करवा लिया गया, वो भी बुधवार को, जिससे लिस्ट उस दिन पूरा दिन चले और टॉप 10 में रहेगा। शुरुआती 10:15 बजे 10:30 बजे अपना मैटर टेकअप हो जाए, पूरा दिन रहे बहस करने के लिए, क्योंकि हमारे भी जितने अधिवक्ता हैं सब बहस करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, आप जानते ही होंगे, बड़ी कठिनाई सहने के बाद, बड़ी परिश्रम करने के बाद, और सभी हमारे भाई और बहन जितने भी जुड़े हुए हैं उनके साथ और सहयोग से लक्ष्य के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि सीट का डाटा आने का मतलब मामला क्लियर। 3528 सीटें आया है, इसमें भर्ती बोर्ड अब घाटा बढ़ा नहीं सकता। हम चाहें तो सीटें और बढ़ सकता है, लेकिन और ज्यादा समय हमको लेना नहीं है, इसलिए 3528 सीटों पर ही संतोष करना है। जितने भी हमारे पेटिशनर भाई हैं उनका नियुक्ति मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत है। हम दूसरे के लिए क्यों आगे लड़ाई लड़े और सीट और क्यों बढ़ाएं? तो 3528 से हमें अब मतलब है। डेट आपको बता ही दिया गया है, लगभग 29 तारीख तक सीरियल नंबर आने का पूरा अनुमान है। सीरियल नंबर आ जाएगा और 4 मार्च को अपना पक्ष बेहतर से बेहतर ढंग से रखा जाएगा। तैयारी पूरी है और जो भी कुछ कमी है वो तैयारी 4 मार्च तक कर लिया जाएगा। अब रही बात हमारे कुछ भाई कैरी फॉरवर्ड को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि भर्ती बोर्ड कैरी फॉरवर्ड सीटों को कर दिया। मित्रों, हर एक चीज आप लोगों को बताना उचित नहीं रहता है, लेकिन आपके भावनाओं को समझा जाता है कि आप इस भर्ती के लिए कितने परेशान हैं दिन रात, ये बात हमको पता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, आप 21 फरवरी का आर्डर देख लीजिएगा, उसमें भर्ती बोर्ड के अधिवक्ता और डीआईजी कहते हैं कि हर एक जिला में पत्राचार कर दिया गया है, एप्लीकेशन भेज दिया गया है सीटों का डाटा लेने के लिए। 21 फरवरी 2020 को सीटों का डाटा लेने के लिए हर जिला में पता करने के लिए एक पत्र भेजते हैं। 2018 में उनको कहां से पता चल गया था कि सीट इतना खाली होगा या खाली है? तो देखिए, तमाम चीजें हैं। 12 फरवरी को जस्टिस यशवंत वर्मा जी सीधे पूछते हैं भर्ती बोर्ड से कि वैकेंसी का पोजीशन आप बताइए, और वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड किए हो तो और नहीं किए हो तो, दोनों दशा में आप बताइए, हल्फनामा दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी इस बात को समझ रहे हैं कि भर्ती बोर्ड क्या किए हैं और क्या सही है।
इसको लेके आप परेशान ना रहिए, एक भी वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने पाएगा और ना ऐसा होगा। एक रूल भी होता है, वैकेंसी डबल बेंच से 34/17/2016 का ऑर्डर है डबल बेंच का कि वैकेंसी को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। 2013 के भाई नहीं करवा लिया था, ये डबल बेंच का ऑर्डर। तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता है, उसका कई चीज कारण है, क्योंकि आरक्षण का समस्या बढ़ जाता है। जैसे 3528 सीटें 2018 में 49,000 में ट्रांसफर कर देते हैं, तो आरक्षण एक होता है कि 50% जनरल और 50% में पूरा ओबीसी एससी एसटी सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है 50% से ज्यादा सीटें ओबीसी का उसमें खाली हो, तो आरक्षण में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक चीज अब आईडियो में आपको बताना उचित नहीं है। तो आप बस इतना चीज मान के चलिए, भारतीय वोट जितना करना हो कर ले, जितना वो सोचना है सोच ले। आज तक खासकर 26/8/2013-2018 में उनका ना तो चला है ना तो आगे चलने पाएगा, क्योंकि हम अपने संघर्ष पे हमें अपना विश्वास है, हमें अपने ईश्वर पे माता रानी पे हनुमान स्वामी पे विश्वास है, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब समय लगेगा, आप न्यायालय का शरण लिए हैं तो सब रखना पड़ेगा। आप जज्बाती बनेंगे तो आप खोगे कुछ पाओगे नहीं, कुछ पाने के लिए आपको सब्र की बहुत जरूरत है। यह हमारे आपका इम्तिहान का समय है। और एक नौकरी एक सीट बहुत होती है मित्रों, ये तो 3528 है। इस समय 2015 का जो भी बंदा नौकरी पाएगा वो 1.5 से 2 करोड़ रुपया उसको मिलेगा पूरे जीवन। इस बेरोजगारी में 1.5 से 2 करोड़ बहुत ज्यादा होता है मित्रों, हमारे लिए तो 10,000 बहुत है। तो थोड़ा सब्र रखिए, ये एक लोगों की बात नहीं है, इसमें बहुत जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। बहुत लोग आस लगा के बैठे हैं, तो आप सब्र रखिए। और कुछ नए नए ग्रुप बन रहे हैं जिन्हें नेतागिरी करने का बहुत शौक है, वो तो बाद में पता चलेगा उनको क्या मिला क्या हुआ। हम विशेष नजर बना के रखे हैं उन लोगों पे 2015 के जो नए नए आए हैं, हम किसी का हान नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर एक घर को हर एक माँ पिता को ये बहुत आस है कि हमारा बेटा नौकरी पाए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन पे नजर है, बहुत नेतागिरी कर रहे हैं, समय आने पे उनको पता चल जाएगा। तो आप लोग कैरी फॉरवर्ड को लेके ज्यादा परेशान ना रहिए, कैरी फॉरवर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरक्षण का समस्या आ जाता है। और 34/17/2016 डबल बेंच का भी जजमेंट है कि वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। जब तो अध्याति और जस्टिस महेश त्रिपाठी जी कई रीटों में हम लोग करीब करीब कोर्ट में रहते हैं, देखते हैं, वो वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड के मूड में नहीं रहते हैं, उसके विरुद्ध में रहते हैं, तो सबसे प्लस पॉइंट है। और हमारे कई बहसों में कह चुके हैं कि एक भी वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो वैकेंसी निकल गया। और वैकेंसी 3528 निकला है, एक दो नहीं 3528 निकला है। तो कैरी फॉरवर्ड को लेके नहीं चले, अब आप क्या आशा करते हो? भारतीय बोर्ड जो काउंटर लगाएगा हमारे पक्ष में लगा देगा? अरे वो वैसे भी पक्ष में है, तो अपना बात रखेंगे तो रखने दीजिए ना। उनके लिए तो कोई और चीज शब्द बचा नहीं था, उनका वो मजबूरी था कि कहना। अरे भाई हमको और सबको हंसी आता है कि 21 फरवरी 2020 को आके उनके डीआईजी उनके अधिवक्ता कहते हैं कि हर एक जिला में ऑर्डर पे भी नोट है कि हर एक जिला में पत्राचार कर दिया गया है सीटों का डिटेल लेने के लिए, और 2018 में ही उनका रिफॉर्म कर देते हैं। क्या बात है! तो इसको लेके आप परेशान ना रहिए, सब कुछ अपने पक्ष में है, सब कुछ अपने फेवर में है, बस आप लोग सब्र रखिए।
कौन क्या कहता है, बात विवाद में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तमाम लोग हैं, तमाम राय देते हैं, किसी को राय के लेके हम ना तो चले हैं और ना आगे चलने वाले हैं। हमारे जो अधिवक्ता कहेंगे, पूरे उच्च न्यायालय की सबसे सर्विस मैटर में सबसे बेहतर से बेहतर अधिवक्ता हायर किया गया है, जिसमें हमारा जो जीत का परसेंटेज है वो 100 से 105% रहे। आप जानते ही होंगे, तमाम ज्योतिषी लीडर पहले ही कह चुके हैं 1600 सीटें खाली है, 1200 खाली है, 1100 खाली है, 2000 खाली है। किसी का एक भी शब्द बताइए सही निकला। हमने आपसे कहा था कि 5600 सीटें खाली, 3528 सीट निकला। अभी जब तो प्रयास किया जाए तो लगभग 700-800 सीटें और बढ़ सकता है। लेकिन हम प्रयास किसी दूसरे के लिए क्यों करें, समय किसी दूसरे के लिए हम क्यों गवाएं? हमें 3528 मिल गया है ना, हमें संतोष है। हमारे जितने भी याची हैं उनको नौकरी मिल जाए, बस इतने हमारे लिए बहुत है। हमारी लड़ाई तो सिर्फ याची के लिए है ना, जनरल के लिए नहीं है। तो हमारे याची भर के तो पर्याप्त है सीटें, फिर हमें क्या टेंशन है। आज दूसरे कुछ हमारे भाई हैं वो परेशान हैं 2013 के और 2018 के रीट क्यों कनेक्ट हो गया। मित्रों, रीट कनेक्ट से कोई रोक नहीं सकता। जो रूल है हाई कोर्ट, ये जज के द्वारा ही कनेक्ट कराया जाता है। और इस दुनिया में जो हमको अनुभव हुआ है, ज्ञान हुआ है, जज से बड़ा सिर्फ एक ही इंसान है, भगवान है। बाकी जज को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, यही सत्य है। जज के बाद भगवान है, भगवान के बाद जज ही है। तो जज एक रीट कनेक्ट कराते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 2013 से और 2018 से हमारा कोई हानि नहीं होने वाला है, या तो हमारा कोई लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगा। या तो वो मेरे वजह से नौकरी उनको मिलता है तो ये हमारा आपका सौभाग्य है कि वो भी तो अपने भाई हैं। उनको जब तो नौकरी मिलता है तो हमें क्या परेशानी है, आप लोग क्यों कमेंटबाजी उनके लिए करते हो? अरे भाई, सीट का डाटा आपका आया है, बहस आपका होगा, बहस आ गया हमारा केस डिस्पोज हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अब फिर उनका आर्डर होगा कि सीटों का डाटा आएगा, फिर जिनका आएगा फिर उनपे बहस होगा। तो इसे हानि क्या है? अब टेकअप नहीं हो रहा तो उनकी वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी तो आस लगा के बैठे हैं, जैसे आप बैठे हो वैसे वो भी बैठे हैं। भाई, नौकरी सबको जरूरत है, उनके माँ बाप को भी जरूरत है कि मेरा बेटा नौकरी पा जाए, और हमारे माँ बाप को भी, आपके माँ बाप की भी जरूरत है। वो भी भाई है तो उनको क्यों आप कमेंटबाजी करते हो? उनके वजह से लेट लपेट नहीं होगा। भाई, हमारा सीट आ गया है तो बहस तो सबसे पहले मेरा होगा, ना तो 13 का होगा ना तो 18 का होगा, बहस मेरा होगा, फाइनल मेरा होगा, उसके बाद उनका नंबर आएगा। अभी उनका सीट आने में समय लगेगा, उनके भर्ती क्लियर होने में, लेकिन हमारे आप में अब समय नहीं लगना है। हमारा आपका जैसे बहस चालू हुआ तुरंत आदेश होगा। तो थोड़ा सब्र रखिए, किसी के वजह से समय बेकार नहीं जाने पाएगा। हमने कभी समय बेकार नहीं जाने दिया है। जब भी आवश्यकता लगा है, जहां हम बहस कर सकते हैं हम खुद जाके बहस किए हैं। तो आप लोग परेशान न रहिए। अब जब तो सीटें निकलवा लिया गया है तो सीटें ले लिया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। बस हम आपसे बहुत पहले कह चुके हैं, जब तो आपका साथ सहयोग रहा, संघर्ष हमारा रहा, तो परिणाम जरूर मिलेगा। मित्रों, परिणाम को लेके परेशान न रहिए, और परिणाम आएगा, और ऐसा परिणाम आएगा कि अपने पक्ष में। दूसरी बात और मैं आप लोगों को साठ में बताना चाहता हूं, भारतीय बोर्ड को इतना मजबूर कर दूंगा
कि हमें डबल बेंच पे भी नहीं जाना पड़ेगा, सिंगल बेंच पर ही हमको जजमेंट मिल जाएगा और इतना बज जाएगा भर्ती बोर्ड कि हर हाल में समय बिना गंवाए हम लोगों का डीबीपीएसटीओ मेडिकल प्रारंभ करवा देंगे। तो इसको लेके आप परेशान ना रहिए, हर एक चीज पे मंथन चल रहा है, हर एक चीज पे हमारे अधिवक्ताओं से राय लिया जा रहा है, तो इसको लेके आप परेशान ना रहिए। और आगे जो भी न्यूज होगा, क्या करना है, सीरियल नंबर आते ही आप लोगों को आईडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जानकारी दे दिया जाएगा, बाकी आप लोगों को अब तक जो भी अपडेट था आप लोगों को बता दिया गया है। करीब फॉरवर्ड को लेके आप परेशान ना रहिए, हमारा वो भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर विपक्ष है, विपक्ष जो भी बात कहेगा वो हमारे पक्ष में ना कह के वो अपने पक्ष में कहेगा, तो इसको लेके आप लोग जरा सा भी सस्पेंस में ना रहिए, धैर्य बना के रहिए, कोई समस्या होने नहीं पाएगा। हाँ, आप लोग एक चीज से बचिए कि कोई गलती ना करिए जिससे आप रिमूव हो, या तो रिमूव होंगे तो फिर आप जुड़ेंगे नहीं ग्रुप में, तो थोड़ा सा ग्रुप में आप जो ग्रुप का मर्यादा है वो मर्यादा आप बना के रहिए। कुछ दिन में आप सिपाही होने वाले हैं, हवलदार होने वाले हैं, तो आप जैसे मर्यादा में रहा जाता है, क्योंकि आप जब कांस्टेबल हो जाएंगे तो जो डिसिप्लिन है उसमें आपको रहना पड़ेगा, और आज से ही आप डिसिप्लिन में रहना सीख लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत अच्छा और अनुभव मिलेगा। बाकी आप खुद समझदार हो, आप ग्रुपों में आराम से रहिए, जो भी जानकारी होगा वो आप लोगों को जरूर समय समय पे अपडेट कराता रहूंगा। और किसी भी भाई का हमारी पूरी कोशिश है कि हानि ना होने पाए, आप बहुत आस लेके आए हैं और निराश आपको घर ना जाना पड़े, जो भी मापदंड है सारा मापदंड है वो सब अपनाया जा रहा है, जितना संभव हो सकता है प्रयास जारी है। बस ईश्वर नहीं है, एक मनुष्य है आप जैसे, जितना हो सकता है संघर्ष जारी है परिणाम लेने के लिए, और वर्दी लेने के लिए हम आपसे ज्यादा लालायित हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होता है मित्रों, अपने हाथ में होता तो कब का हम ले चुके होते, जो कर सकते हैं वो कर डालते हैं, उसमें हम चूकते नहीं। और आज उसी का उसी प्रयास उसी संघर्ष का आज जो परिणाम सामने आया है 3528, ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अब तो भर्ती बोर्ड फंस चुका है, डबल बेंच का भी नियम है, रूल है, आर्डर है कि वैकेंसी का रिफॉर्म नहीं कर सकते, जज भी बेहतर से बेहतर हमको भगवान के कृपा से मिल जाए चुके हैं, सब कुछ अपने पक्ष में है, बस एक बहस का इंतजार है, और वो भी 4 मार्च को दूर हो जाएगा। आप अपने अपने घर आराम से रहिए, और ईश्वर चाहे हनुमान स्वामी का आशीर्वाद रहा, माता रानी का कृपा रहा, तो होली और दिवाली साथ मनाएंगे, होली और दिवाली हम लोग साथ मनाएंगे। बस जितना आप ग्रुप में समय बेकार करते हैं, आप अपने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, इतने हमारे याचिकागढ़ हैं कि ईश्वर जरूर सुनते हैं, लेकिन नेक काम आप कर नहीं सकते हो, सिर्फ खाली में बकवास कर सकते हो, तो आप बकवास कम करिए, समय समय पे आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा, और कोशिश ये करिए कि ऐसा गलती ना करिए कि हमारे भाई आपको रिमूव करें और आप परेशान हो, या तो हम परेशान होंगे तो मेरी मजबूरी है आपको रिमूव करना, फिर आप कोई भी हो बच नहीं पाओगे, ना गलत करता हूं ना गलत सहन होता है। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं, आगे का अपडेट सीरियल
नंबर आने के बाद आपको आगे का अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत।